हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। नए दिन की नई शुरुआत देख बलोच ब्लॉग के साथ में हो गई है। सुबह लग गई हूँ अपने काम पे, बहुत ज्यादा काम है, कपड़े ज्यादा है गाइस, और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में फिर से रस्सी बांधना ही पड़ेगा क्योंकि इतने सारे कपड़े रख नहीं सकती, रखूंगी तो स्मेल आ जाएगी, चाहे कितना भी कंफर्ट डाल लो कि स्मेल जाने वाली नहीं है। उससे अच्छा घर में रस्सी बांध लो कि कोई आता जाता नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे मियाँ, क्योंकि बारिश इतनी है तो काम धाम सब ठप पड़ गया है मुंबई का, तो दुआ करें कि थोड़ी तो समझाए। फिर शुरू है, रात भर हो गए, दिन में थमे ना, रुकती ही नहीं है। 20 दिन होने आ गया कंटिन्यू, रुक रही नहीं है। इतने परेशान हो गई पूरी आम जनता, और घर में तो अभी पानी भी झिरपने लगा है, पता है। रात भर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बिस्तर करी हूँ, और अब दिन में भी, सवेरे भी देखे तो पूरा गीला था, तो अखा दिन ये टप टपारे लगा के निकालना पड़ेगा। चलो मिलते हैं अपने घर के काम के साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ से इतना पानी गिर रहा है ना कोने से, कि ये आधा तो भर गया है, मैंने कपड़ा भी रख दी हूँ, और यहाँ पे भी घर में भी बीचों बीच गिर रहा है पानी, और अच्छा खासा जम गया। आप देख सकते हो पानी ऊपर से गिर रहा है, कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। रात में सोने में भी तकलीफ हो जा रही है हम लोगों को। सिद्धांत तो घर पे ही है, बारिश क्योंकि रुक ही नहीं रही है बारिश, 26 जुलाई की बारिश तो पकड़ ही ली है। बेटा नहीं, बेटा हाँ। नहीं हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ। इसके अब्बू कह रहे थे कि मैं कल ना सवेरे छत पे चढ़ता हूँ। अच्छा गाइस, इसके अब्बू कह रहे थे कि कल ना सवेरे होने थे, मैं छत पे चढ़ के देखता हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि तुम छत पे चढ़ोगे, बोला छत नीचे आ जाएगा बारिश में, थोड़े घर में बह रहे ना, हम लोग को किसी ब्रिज के नीचे जाके रहना पड़ेगा। बात तो सही है तो सोचो किस तरह बोले रहेंगे, इतना हंसाने वाला काम करे कि मैं छत पे चढ़ूंगा, ये इतने वजन है पर छत इनके वजन से नीचे आ जाएगा और ये इतना मचल रहा है ना क्योंकि पूरे बच्चे भीग भीग के सारा सामान लेके आ रहे हैं, और इसको बाहर जाना। ऑलरेडी मैं इसके लिए दवा लेके आ गई हूँ, मगर क्यों, इसकी तबीयत खराब रहती है। ये ना मोम मोम से बना हुआ है जिदान मेरा, तुम्हें ना दवा लेके आए ना, ये मोम से बना हुआ, ये छुई मुई का फूल है, ये जरा भीगता है, नहाता भी तो इसको सर्दी रहती है। कुछ नहीं बेटा, सिंगल पसली है, दिखाने वाला है, पूरा पोकल है पोकल क्या कर रहा है बेटू, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो गाइस, कल रात में ही मैसेज आ गया था कि स्कूलें बंद है बारिश। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो। पर टाइम पे आग खुली है, बरोबर टाइम पे आग खुली है, आप देख सकते हो बरोबर टाइम पे आग खुली है, क्योंकि नींद मतलब उतने टाइम की ही मिलती है, चाहे आप 5 बजे सो 4 बजे सो, खुशी देखे, खुशी अचानक होने वाली छुट्टी की खुशी, इसकी क्या पूरे एरिया के बच्चों की खुशी, सब बरोबर वही टाइम पे उठे, पूरे एरिया में चिल्ला मिलनी चालू है, ऐसा नहीं कि सुकून वाला दिन नहीं। अब इसको मार के सुलाना पड़ेगा, और मैं भी थोड़ा सोऊंगी चाय पीने के बाद, उसको भेजू और इसको मार के सुलाते, वरना मोबाइल लेके पड़ा ही रहेगा ये लड़का। देखो गाइस, नीचे जाके लड़के आया, पूरा गिल्ला हो गया है, अभी गुस्सा मेरे को दिखा रहा है, अभी घोगा मत कर, मार खा के आ गया ना, अभी घोगा करेगा हम लोग के साथ में। गाइज, यहाँ पे चाय चढ़ चुकी है क्योंकि बहुत अच्छी बारिश आ रही है, और यहाँ पे मैं मसाले वाली खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि बारिश में ना बहुत अच्छी रहेगी। और आप देख सकते हो, अगर मैं लाइट बंद करूँ ना, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, बज रहे हैं 5 बजे, देखो बहुत अच्छी बारिश लगी हुई है, यहाँ तो लाइट मुझे लगाना ही पड़ेगा, अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया बाबा साहब, ऐसा लग रहा है रात के 11-12 बज रहे हैं। अच्छा, तो बारिश में चाय का मजा, और गरम गरम चाय के साथ में, बारिश के साथ में हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे चकली, नाश्ता। ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं बनाऊँ आटे का हलवा, यानी ढलक। हाँ, ढलक खाएंगे ये जो इतना हाँ हाँ कर रहा है ना, यही पहले नहीं खाएगा ये, इसको तो लाइट लगाने की जरूरत पड़ती है जिदान को। हाँ जिदान,
ये दिखा भाई, शेजवान चटनी ना पूरा खा लिए भाई साहब तुम लोग ने। ये लोग खाने के साथ में, अंडे के साथ में, हर चीज के साथ में अगर शेजवान चटनी रहेगी ना, एक तो कैमरे में दिखता भी नहीं पता है। चलो मिलते हैं चाय और नाश्ते के साथ में। गाइस यहाँ पे बन रही है खिचड़ी, पीली वाली, मसाले वाली। तो यहाँ पे कांदा, जीरा और अपना कड़ी पत्ता डाल चुकी हूँ। यहाँ पे हरे मसाले निकाल दी हूँ और देखो सोना डाल रही हूँ, सोना, टमाटे, टमाटे एक ही। और यहाँ पे देखो दाल और चावल भिगा के रखी हूँ। देखो अम्मी प्लेट खाने जाने दो ना, हमें नहाने जाने दो ना, चुप कर बे कुत्ते, जाने दो ना। अब फिर दवा खाना चल के इंजेक्शन लेना, इंजेक्शन लेना। अरे मैं अच्छा गिर जाऊंगी अगर चाय पी रहा है भाई, चाय पी रहा, जल्दी जल्दी नहाने जाने दो ना, चाय से चढ़ो। अरे मैं गिर जाऊंगी जिदान, नहाने जाने दो ना। अजानों के नमाज पढ़ के आप फिर जाओ, और कपड़े कौन देगा। गाइस यहाँ पे पूरे मसाले मेरे डल चुके हैं, अदरक, लहसुन, मिर्ची, जीरा, टमाटर, कोथमीर सब डाल दी हूँ। इसमें अब जाएगा एक मैगी मसाला और फिर हम करेंगे ज़्यादा पानी डाल के खिचड़ी को बनाएंगे, क्योंकि एकदम नरमा नरम अगर नहीं बनी तो फिर इसको घोटना पड़ेगा खिचड़ी की तरह। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जा चुकी है दाल और चावल, इसमें डल चुका है। अब इसे लगेगी सिर्फ दो ही सीटी लगेगी और उसके बाद हमारी नरम नरम खिचड़ी हो जाएगी तैयार। तो मिलते हैं आपको खिचड़ी बनने के बाद, क्योंकि ये बच्चे लोग अभी जिद कर रहे हैं कि बारिश में इन लोगों को नहाने जाना है। अत्याचार हो रहा है मेरे साथ, अत्याचार, बारिश में नहाने नहीं दे रहा, मैं जा रहा हूँ फिर भी, बाय। गाइस यहाँ पे खिचड़ी बन चुकी है, अब इसे करेंगे एंजॉय, क्योंकि अभी नमाज बाकी है, चाय हो चुकी है, अब नमाज पढ़ के फिर खाएंगे खाना। भाई साहब भी आ चुके हैं आप देख सकते हो, और ये है रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गए हम लोग अब बारिश से, पहले मांग रहे थे तब दे रहा नहीं था अल्लाह, और अब दे रहा है तो तंग गए, बोले बस कर दे। भाई साहब निकल चुकी है खिचड़ी और अचार अपनी बारिश के साथ में। मैं सोच रही कि पापड़ भी हो जाए, पर उसको लगी बहुत जोर की भूख मोइन को, तो मैं ये दे दूँ बच्चे को मेरे। और चम्मच लेके बैठ चुका है भाई साहब, आप लोगों को चाहिए तो बोलो। क्या बोली पब्ली गुडलाल, अम्मा अम्मा कहो गए अम्मा को। तो गाइस अखा दिन की भागा दौड़ी के साथ में और मेरे छोटे मोटे ब्लॉग के साथ में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, खाना अलहमदुल्ला हो चुका है, बच्चे बिस्तरे कर रहे हैं, सोने की तैयारी चालू है हम लोगों की। तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग में। लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नए हो तो बेल आइकन ज़रूर दबाना कि हमारे ब्लॉग की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, वरना वैसे हो जाएगा जैसे मैं अभी व्यूज़ कम आ रहे, वैसे व्यूज़ कम आएंगे, टेंशन नहीं। अल्लाह हाफिज़।